नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। सुशांत सिंह केस में फैंस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस केस में दखल दे दी है और उन्होंने भी सीबीआई जांच की डिमांड कर दी है। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी कहते दिख रहे हैं कि सुशांत केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के केस में उन्होंने किया था। उनका कहना है कि ये संदेह दूर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हुआ या नहीं हुआ। इस पर बहस चली, आरोप प्रत्यारोप चले, तो मैं ये सोचता हूँ कि सबको अब तैयार हो जाना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, नहीं मानेंगे तो कोर्ट में जाएंगे, जैसे सुनंदा पुष्कर केस में गए थे, तब जांच शुरू हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने इशकरण सिंह भंडारी नाम के एक वकील को भी नियुक्त किया है जो फिलहाल मामले को देख रहे हैं और मामले से जुड़ी हर जानकारी वो अपने ट्विटर हैंडल पर लाइव वीडियो के माध्यम से देते हैं। इन्हीं लाइव वीडियो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी मामले को कोर्ट तक ले जाने की धमकी दे रहे हैं। कह सकते हैं कि इस वीडियो के सामने आते ही सुशांत के चाहने वालों को उम्मीद की किरण दिखाई दी होगी, तभी तो इस वीडियो पर लोग कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि आपसे ही उम्मीद है, इस मामले में हमारी मदद कीजिए, ये सुसाइड नहीं मर्डर है और आरोपी सड़कों पर आराम से घूम रहे हैं, मुंबई पुलिस भी सही से काम नहीं कर रही है। एक यूजर ने सुब्रमण्यम स्वामी के इस कदम की सराहना की है और बॉलीवुड के कुछ तबकों पर सवाल उठाया है। जैसा कि सभी जानते हैं, सुशांत मामले को एक महीने का समय हो गया है। ऐसा एक नहीं बल्कि कई बार हुआ है जब फैंस ने सुशांत सीबीआई के हैशटैग को ट्रेंड कराया है। फिलहाल अगर जांच की बात की जाए तो अभी तक 30 से अधिक लोगों ने अपने बयान दिए हैं। हालांकि पुलिस को कोई बड़ा सुराग या कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे उनका संदेह पैदा हो।